नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं के फिजिक्स यानी भौतिकी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पहला सवाल है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी राजस्थान। इसका जवाब होगा ए हरियाणा। अगला सवाल है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा ए ऋणात्मक। अगला सवाल है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी ए प्लस 5D, बी माइनस 5D, सी माइनस 2D और डी प्लस 2D। इसका जवाब होगा डी प्लस 2D। अगला सवाल है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होती है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। इसका जवाब होगा डी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ए डायोप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। इसका जवाब होगा ए डायोप्टर। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा बी काल्पनिक। अगला सवाल है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। इसका जवाब होगा बी उत्तल दर्पण। अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ए निर्यात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। इसका जवाब होगा डी कांच में। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा बी धनात्मक। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज और डी इनमें से सभी। इसका जवाब होगा ए किरण आरेख। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।